मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ज्योतिष के हिसाब से इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में यानी कि दक्षिणायन से उत्तरायण होते और कहते हैं कि इसके साथ ही दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। आज भी बिहार के ग्रामीण इलाकों में इस त्योहार की तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जिसमें गन्ने के रस से और गुड़ तैयार किए जाते हैं या कई तरह से तैयार किया जाता है और मकर संक्रांति से कुछ दिन पहले से ही बनाकर रख लिया जाता है। आपको बता दें कि जनवरी में धान की फसल तैयार होती है और धान को पकाकर या फिर कच्चे धान को कूटकर चूरा बनाकर रख लिया जाता है। फिर दही जमाने के लिए भी नए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दूध उबाल कर उसे जमाया जाता है। उस दिन बिहार के हर घर में काले और उजले तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भले ही ये खाना विशेष रूप से खाते हैं, लेकिन वैसे बिहार में आज भी कई घरों में सुबह का नाश्ता दही चूड़ा या चूड़ा दही होता है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि दही चूड़ा का मतलब दही की मात्रा अधिक और चूड़ा का कम, और चूड़ा दही मतलब चूड़ा की मात्रा अधिक और दही का मात्रा कम। अब आपकी इच्छा है आप दही चूड़ा खाए या फिर चूड़ा दही खाए। मिथिलांचल में दही चूड़ा खाने का सालों से चलन है, लेकिन हाँ, इसके कई तरह के विशेष फायदे भी हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपके लिए दही चूड़ा गुड़ एक बेहतर ऑप्शन है। इस थाली में कैलोरी की मात्रा कम होती है और इसके साथ ही पोषण तत्वों से भरपूर दही चूड़ा लंबे समय तक आपके पेट को भरा हुआ रखता है, जिससे आप अनावश्यक खाने से बच पाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा ये भी है कि इस नाश्ते को पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, ये रेडीमेड होता है। बिना आग यानी कि चूल्हे के ही यह जो हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है, यह रेडीमेड होता है। बिना आग यानी कि चूल्हे के ही यह हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है और इसे आप काम की जल्दबाजी में खा सकते हैं और आपका पेट भी भर जाता है। दूसरा, यह फाइबर और लो कैलोरी से भरा हुआ नाश्ता है। बता दें कि इस दही चूड़ा में मिठास के लिए पारंपरिक ढंग से तैयार देसी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, जो मिठास बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से इस खाने को कई बेहतर बना देता है। अब हम आपको बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार में आज भी दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन या फिर मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के बर्तन में दही ना केवल अच्छा जमता है बल्कि सेहत के लिहाज से भी खास होता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन या फिर मिट्टी की हांडी में दही जमाने से दही के स्वाद में बदलाव नहीं होता, यानी कि ये खट्टा नहीं होता है, ये बहुत ही मीठा बन जाता है। इसके साथ ही मिट्टी अल्कलाइन होने के कारण चूरा धान से बना होता है, जो दही के साथ मिलकर आपकी भूख को सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है। चूरा में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है और यह पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है और आपकी आंत को भी स्वस्थ रखता है। लीवर की समस्या हो या पेट खराब रहता हो तो उसके उपचार के लिए आपको दही चूड़ा खाना चाहिए। तो ऐसे में आपने जाना कि कितना हेल्दी और अनोखी है मकर संक्रांति पर खाई जाने वाली बिहार की खास थाली। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।